तो दोस्तों ये जहाँ पर रहता है वहाँ पर फसल को सुरक्षित, देखिए कैसे अपने जीव को बाहर निकाल रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं बंजारी शिव मंदिर के पास, देख लीजिए मंदिर का, और बगल में ही एक सांप निकला हुआ है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, सांप का रेस्क्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे। इससे पहले बता दें यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि सांप का रेस्क्यू करने के लिए हमें कॉल किया। तो चलिए दोस्तों फटाफट के अंदाज में सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यही सामान दिखा हुआ है, यहाँ पर देखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है इंडियन रेड स्नेक। तो चलिए इसको बाहर ले चलते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए ये है इंडियन रेड स्नेक, धामन सांप, अपने बिहार में इसे धामन बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पटाइस मुकोसा होता है, और अगर ये काट ले या अपने पूंछ से मार दे तो शरीर सड़ने लगता है, ये लोगों की मानना है ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं होता दोस्तों। और इसके पूंछ में कांटा भी होता है, देख लीजिए इसके पूंछ में कांटा होता है और ये पूंछ को शरीर में चुभा देता है, ऐसा भी लोगों की मानना है, लेकिन ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है दोस्तों। देख लीजिए बहुत बड़ा इंडियन रेड स्नेक दोस्तों, देखिए बहुत अटैक कर रहा है। जब ये गुस्सा होता है तो कोबरी की तरह फुंकारता भी है और बार बार हाथों पर और चेहरे पर अटैक करता है, देख लीजिए कितना ये एग्रेसिव है दोस्तों। काटने में बहुत माहिर होता है, ये बहुत तेजी के साथ काटता है, और इसका जो दांत होता है आप हंसुआ को देखे होंगे उसी तरह इसका दांत होता है, और काटने के बाद से तुरंत ये छोड़ भी देता है, लेकिन अगर इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ काटता है ये, देख लीजिए दोस्तों। लेकिन इसमें किसी तरह का जहर नहीं पाया जाता है, यह नॉन वेनमस होता है, लेकिन लोग शिक्षा के अभाव में इसे मार भी देते हैं, शिक्षा के अभाव में लोग इसे मार देते हैं जहरीला समझकर। लेकिन दोस्तों नहीं मारना चाहिए इन बेजुबानों को, इन बेजुबानों को बचाना चाहिए, देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये शिव मंदिर है और यहीं पर ये निकला हुआ था, देख लीजिए। तो दोस्तों आप ऐसे बेजुबान अगर आपके भी घरों के आसपास निकलते हैं तो इन्हें मारे नहीं, इन्हें बचाने पे हमारा साथ है, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद ही है इन बेजुबानों को इंसान से बचाना और इंसान को इन सांपों से बचाना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जहाँ पर रहता है वहाँ पर फसल को सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रखता है, क्योंकि फसल में जो भी चूहे होते हैं उन चूहों को मारकर खा जाता है और हमारा जो फसल है वो सुरक्षित रहता है, देख लीजिए दोस्तों कितना ये एग्रेसिव है, बार बार ये अटैक कर रहा है। तो दोस्तों बिना प्रशिक्षण के बिना स्टडी किए सांपों का हैंडलिंग या रेस्क्यू ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो खतरा हो सकता है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और मालूम है दुर्घटना घटने के बाद से पूरी सब्जी बढ़ती है। तो सतर्क रहे, बिना प्रशिक्षण के बिना स्टडी किए सांपों का कभी भी हैंडलिंग ना करें आप, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि ये दूध पी जाता है, आप इसके जीव को गौर से देखिए कि इसके जीव ऐसे दो भाग में बटे हुए हैं, देखिए कैसे अपने जीव को बाहर निकाल रहा है। और दोस्तों जिस जीव जंतु का जीव अगर ऐसे दो भाग में बटा होता है वो तो दूध नहीं पीता है, अगर किसी कारणवश उसको दूध पिला दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो दोस्तों इसे दूध पिलाने का बिल्कुल प्रयास ना करें, क्योंकि दूध पिलाइएगा इसे दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, और इसके शरीर में क्लॉट हो जाएगा अंदर जाकर,
जिसके कारण इसकी मौत हो जाएगी। तो इसे दूध पिलाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। देखिए दोस्तों, और अभी बरसात भी है और तेज गर्मी भी पड़ रहा है, तो दोस्तों सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छा से साफ कर लें, क्योंकि कोबरा और करैत यानी कि गेहुअन और करैत सांप घर में चले जा रहे हैं लोग। अगर बिस्तर में चले जाते हैं लोग, उसके शरीर पर आपका शरीर चला जाता है, वो दब जाते हैं तो तुरंत काट लेते हैं। तो दोस्तों सोने से पहले अपने बिस्तर को ज़रूर साफ कर लीजिएगा, क्योंकि बिस्तर में जाएंगे अगर आप नहीं देखते हैं, अगर दब जाते हैं तो काट लेते हैं। दोस्तों सांप के काटने के बाद से कभी आप तंत्र मंत्र झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। क्योंकि गेहुअन सांप के पास और करैत सांप के पास न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाए जाते हैं, वो जब काट लेता है तो न्यूरॉन को डैमेज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, इसको ले जाकर फिर इसके पुनर्वास यानी जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। इसको इधर ही हम रिलीज कर देते हैं और इधर ये खेत में रहेगा। तो चलिए दोस्तों आइए, वीडियो के साथ बने रहिएगा, इसको रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों सांप चला गया। चलिए दोस्तों इसी के साथ इन बेजुबान जीवों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।